एक माँ अपने 5 बच्चों को लेकर ट्रेन के सामने कूदी और फिर ट्रेन आई और उनके शरीर के हो जाते हैं टुकड़े टुकड़े, हवा में फैल जाते हैं सारे शरीर के टुकड़े। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की। महासमुंद जिले में उमा साहू नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 45 साल। आज से 20 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है केजी राम और अब उनको 5 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी की उम्र 10 साल है, सबसे बड़ी बेटी की उम्र 17 साल है। घर परिवार में समय गुजर रहा होता है, लेकिन दोस्तों केजी राम को यानी कि उमा साहू के पति को शराब पीने की लत थी। वह शाम को शराब पी कर आया करता था और कुछ पैसे अगर अपनी पत्नी के पास उसे दिख जाया करते थे तो उनको भी छीन लिया करता था और उनकी शराब पी जाया करता था। काम पर जाता था तो काम से जो भी पैसे मिला करते थे उनको भी शराब में उड़ा दिया करता था। बच्चों का समय बहुत ही बुरी तरह से गुजर रहा था, बीवी और बच्चों का समय बहुत ही बुरी तरह से गुजर रहा था। वो परेशान थे, गरीबी से बेहाल थे। इसी तरह से एक दिन उमा साहू घर पर बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ, अपनी 5 बेटियों के साथ और इंतज़ार कर रही है कि उसका पति कमाने के लिए गया है, झाड़ी पर गया है, वहाँ से कुछ पैसे लाएगा, सब्जी वगैरह लेकर आएगा और फिर सब्जी बनेगी और फिर रोटी बनाएंगे घर के अंदर, पेट भरेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो उसका पति शराब पी करके घर में आता है। उसके जेब में एक भी पैसा नहीं होता है क्योंकि उन सारे पैसों की वह शराब पी चुका होता है। उमा साहू अपने पति केजी राम से लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि बच्चे भूखे बैठे हैं और तू शराब पी कर आ गया। इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होता है और फिर उमा साहू घर से अपने बच्चों को लेकर निकल जाती है। दोस्तों पूरी रात भर वह अपने बच्चों को लेकर इधर से उधर घूमती है बदहवासों की तरह और फिर अंततः सुबह 4 बजे के आसपास वह अपने बेटियों को लेकर के रेल की पटरी पर बैठ जाती है मरने के लिए और फिर ट्रेन आती है, उनके ऊपर कर गुजर जाती है और उनके टुकड़े टुकड़े हवा में फैल जाते हैं। दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, लोग उनकी डेड बॉडीज़ को पहचान लेते हैं और फिर कोई कहने के लिए जाता है केजी राम के घर। वह अपनी चारपाई पर सोया हुआ था और उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने और तुम्हारे बच्चों ने रेल के सामने आकर खुदकुशी कर ली है। तो दोस्तों केजी राम उठकर यही कहता है, उसको सोचना चाहिए था, यह तो उसकी गलती है, मैं तो शराब पीता था, उसको सोचना चाहिए था, उसको अच्छे से चलना चाहिए था। ऐसे बदतमीज़ और बेवकूफ़ पति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उसका कोई फ़र्ज नहीं था या फिर उसका कोई कर्तव्य नहीं था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ लेकर आता हूँ अपने दोनों चैनलों पर, तिरछी बात पलवल और तिरछी बात चैनल पर। दोनों पर अलग अलग घटनाएँ होती हैं और आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल को भी, वहाँ पर भी जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।